हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने लीनियर मैप ऑन वेक्टर स्पेस। लीनियर मैप ऑन वेक्टर स्पेस पढ़ा था और उसमें हमने कुछ सॉल्व प्रॉब्लम पढ़े थी। इस उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम आगे बढ़ा रहे हैं। और डेफिनेशन 15.5, लेट टी जो है वी टू यू बी ए लीनियर मैपिंग। तो अगर ये है तो हमारे पास जो कुछ कंडीशंस है, द कर्नेल ऑफ टी, जो कर्नेल ऑफ टी जो है वो क्या कहलाती है, इज द सेट ऑफ वेक्टर्स बी इन द डोमेन वी। द कर्नेल ऑफ टी जो है वो द सेट ऑफ वेक्टर्स बी इन द डोमेन वी, यानी कि इसके जो वेक्टर्स हैं, दैट गेट मैप टू द जीरो वेक्टर, दैट यानी कि इसके जो जीरो वेक्टर पे मैप करते हो। तो ऐसे जो सेट का जो ऐसे जो वेक्टर्स का जो सेट होता है वो कर्नेल ऑफ टी कहलाता है, यानी कि ऐसे सेट बी के जो यू पे जीरो मैप पे मैपिंग करते हो, जीरो वेक्टर पे मैपिंग करते हो, वो कहलाते हैं हमारे पास कर्नेल ऑफ टी। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड है द रेंज ऑफ टी इज द सेट ऑफ वेक्टर्स बी इन द कोडोमेन। अब यहाँ से हम रेंज ऑफ कोड रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस देख लेते हैं फ्रेंड्स। रेंज और कोडोमेन में जो डिफरेंस होता है बेसिकली ये होता है, जो टी से ये हमारे पास यू टू वी में डिफाइन है सपोज, तो रेंज जो वी जो है पूरा जो डोम पूरा जो भी यहाँ सेट है वो होता है हमारे पास कोडोमेन। कोडोमेन अब जब रेंज की बात करते हैं तो रेंज होता है हमारे पास जो कि इसके जो सेट जो है जिन जिन सेटों पे वेक्टर्स मैप कर रहे हैं उनका जो सेट होता है वो कहलाता है हमारे पास रेंज। तो यहाँ को इस डेफिनेशन को से और एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं। द रेंज ऑफ टी इज द सेट ऑफ वेक्टर्स बी इन द कोडोमेन यू फॉर विच देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वी इन वी। एटलीस्ट कोई वेक्टर वी जो होगा, जो वी में एक एग्जिस्ट करेगा, सच दैट टी वी बराबर बी। वी ड्रॉ द रेंज ऑफ टी बाई रेंज टी। तो रेंज ऑफ टी बेसिकली क्या है, बी बिलोंग्स टू यू, देयर एग्जिस्ट ऐसे बी बिलोंग्स टू यू जिनके लिए कम से कम एक वेक्टर बी मिल जाना चाहिए जिन जो कि टी वी बराबर बी कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। तो उस कंडीशन में यानी कि सपोज कि इसको और क्लियरली समझ लेता हूँ मैं। ये हमारे पास यू है, ये वी है, यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री है, यहाँ पे हमारे पास ए वन ए बी वन बी टू बी थ्री बी फोर है। तो सपोज ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ये भी बी वन पे जा रहा है और ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो रेंज जो है वो रेंज क्या है इसकी, रेंज है हमारे पास बी वन एंड बी फोर। जो रेंज है वो है बी वन एंड बी फोर, क्योंकि दो ही सेट पे, अब बी थ्री पे अगर बी थ्री पे जा रहा है तो बी थ्री, और बी फोर पे जा रहा है तो बी फोर, अगर बी थ्री पे लिया है हमने तो बी थ्री। और कोडोमेन क्या है इसका, कोडोमेन है हमारे पास बी वन बी टू बी थ्री बी फोर। तो यहाँ से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस ये भी पता चलती है, रेंज जो होती है रेंज वो हमेशा कोडोमेन से छोटी होती है, रेंज जो है सबसेट होता है कोडोमेन का। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ से हमें यह पता चलती है। अब यहाँ पे थ्योरम, लेट टी जो है वो वी टू यू बी ए लीनियर मैपिंग, देन कर्नेल ऑफ टी जो होता है, कर्नेल ऑफ टी जो होता है इज अ सब स्पेस ऑफ वी। तो उस कंडीशन में कर्नेल ऑफ टी जो होता है वो सब स्पेस ऑफ वी होता है, एंड रेंज टी इज अ सब स्पेस ऑफ यू। तो ये हमारे पास अगर टी वी से यू भी है तो उस कंडीशन में कर्नेल ऑफ टी जो होता है वो रेंज वो सब स्पेस होता है वी का, और उस कंडीशन में जो रेंज जो होती है टी की वो होती है हमारे पास सब स्पेस ऑफ यू। तो अब ये हमें चेक करते हैं। तो पहले प्रूव करें, सपोज दैट यू वी एंड यू आर इन कर्नेल ऑफ टी। तो यू एंड वी जो है कर्नेल ऑफ टी में है, यानी कि टी वी बराबर भी जीरो है और टी यू बराबर भी जीरो है। तो इस कंडीशन में टी यू प्लस टी वी जो है वो क्या है, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, ये हो गए हमारे पास फर्स्ट। देयर फोर सिंस टी यू प्लस बी इक्वल टू जीरो, देन यू प्लस बी जो है इज इन कर्नेल टी, दिस शो दैट कर्नेल टी इज क्लोज अंडर एडिशन, यानी जो कर्नेल टी जो है वो क्लोज अंडर एडिशन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेकेंड, अगर किसी एल्फा से मल्टीप्लाई कर दें तो टी एल्फा वी, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अगर टी
क्योंकि लीनियर मैप है, लीनियर मैपिंग तो इसको लिख सकते हैं अल्फा टी वी, और टी वी क्या है, ये जीरो, ये भी जीरो, तो टी अल्फा वी बराबर वी जीरो हो गया। तो यहाँ से अल्फा वी बिलोंग्स टू हमारे पास जो कर्नेल ऑफ टी है, कर्नेल ऑफ टी से बिलोंग कर रहा है। अब हमारे पास जीरो की बात करते हैं, तो बेसिकली टी जीरो को क्या लिख सकते हैं, टी वी माइनस वी, चूंकि ये लीनियर है तो ये हो गया हमारे पास। अब चूंकि यहाँ पे हमने वी जो है टी वी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं प्लस टी ऑफ माइनस वी। अब चूंकि हमारे पास अल्फा कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने पे जो है कांस्टेंट बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी कर रहे हैं, तो वी जो है अगर बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी है, माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दें यानी माइनस वी जो है वो भी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी होगा। तो ये हमारे पास ये भी जीरो है प्लस टी ये भी जीरो, तो ये भी बेसिकली जीरो, और टी वी माइनस वी जो कि जीरो है ही, तो यहाँ से हम कह सकते हैं टी जीरो बराबर भी जीरो है। तो यहाँ से जीरो बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी, तो यहाँ से सारी एलिमेंट्स जो सारी कंडीशंस थी वो फॉलो करें, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो कर्नल ऑफ टी जो है वो सब स्पेस है वी का। अब बस यहाँ से इजीली सॉल्व, आगे अगर हम ये देखना चाहें कि बेसिकली रेंज टी सब स्पेस ऑफ ई, तो रेंज टी के लिए भी हमें सिंपली यही कंडीशंस को चेक करना है जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, सिंपली आप यहाँ से देख लीजिए, हिंट दूंगा। लेट टी जो है वी बराबर एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, और वेक्टर वेक्टर स्पेस, एंड टी जो है वी टू बी वी एम मैपिंग, डिस्क्राइब द कर्नल ऑफ टी। तो पहले कर्नल ऑफ टी को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, टी ए क्या है बराबर ए प्लस ए टी। तो कर्नल ऑफ टी डिस्क्राइब करने के लिए हम आ मैट्रिक्स ए इज द कर्नल ऑफ टी इफ टी ए बराबर जो है ए प्लस ए टी इक्वल टू, बेसिकली कहाँ पे मैप करना चाहिए, जीरो पे। तो ए टी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए के। तो ऐसे एलिमेंट जिनके लिए ए टी बराबर माइनस ए होता है, यानी कि ए का ट्रांसपोज जो होता है वो माइनस ए के इक्वल होता है, वो हमारे पास इसके एलिमेंट होंगे। अगर जैसे कि 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास और 2x2 मैट्रिक्स ये है, सपोज ए वन वन ए टू वन सॉरी ए वन वन ए की बात करें तो ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू। अब इसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका इसका ट्रांसपोज आएगा ए वन वन ए वन टू और ए टू वन ए टू टू, ये आ गया, ये तो ट्रांसपोज आ गया इसका फ्रेंड्स। अब सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, कि उसका माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। तो माइनस ए के इक्वल होने का मतलब है इसको इसको इक्वल होना पड़ेगा माइनस ए वन वन माइनस ए वन टू माइनस ए टू वन माइनस ए टू टू। तो यहाँ से ये कुछ कंडीशंस जो हमारे पास बनी है, यानी कि ए वन वन जो है माइनस ए वन वन के इक्वल होना चाहिए, ए वन वन जो है माइनस ए वन वन के इक्वल होना चाहिए, ए टू वन जो है वो माइनस ए वन टू के इक्वल होना चाहिए, ए टू टू जो है ए माइनस ए टू टू के इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन होल्ड कर रही है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास बेसिकली कर्नल ऑफ टी का पार्ट होगा। तो एग्जाम्पल के लिए सपोज कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए बराबर जीरो जीरो माइनस सेवन माइनस सेवन, जो कि ये सारी कंडीशंस को होल्ड कर रहा है। इसी तरह से ये इसमें बात करें तो इसमें भी हम 3x3 में भी इसी तरह से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो 3x3 में भी इस तरह से रिलेशन निकाल सकते हैं हम। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, इस एग्जाम्पल को आप देख कर और सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम नल स्पेस एंड कॉलम स्पेस।